मंत्री जी भाषण देने में लच्छेदार भाषण तो दिया, लेकिन बात काम की एक भी नहीं। हमारी योजना कैसे गलत है, जनता को लाभ कैसे नहीं मिल रहा है, इस बात पे नहीं आए, और इस बात पे भी नहीं आए कि हम क्या करने वाले। ऐसे जैसे बड़ी चौपड़ में भाषण देते हैं ना, वैसे भाषण देके चले गए, जबकि मुख्यमंत्री जो होता है वो आंकड़ों के साथ में बोलता है, मुख्यमंत्री तथ्यों के साथ में बोलता है, उसके पास सरकार है, उनको बताना पड़ेगा कि इस योजना में ये कमी है और इसकी जगह हम ये योजना ला रहे हैं या इसको इस तरीके से संशोधित कर रहे हैं, ये हमारा विजन होगा 5 साल का। वो तो जैसे राजनीतिक भाषण देते हैं वैसे भाषण देके चले गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके भाषण में कोई दम नहीं था, उनकी बातों में कोई विजन नहीं था, आगे स्टेट को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे लोगों को सुविधाएं। आप बताइए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का आज क्या हाल कर रखा है, गरीब का इलाज नहीं हो रहा है। एक शब्द अगर मुख्यमंत्री जी ने बोला हो तो आप बता दी, एक शब्द नहीं बोला। इंग्लिश मीडियम की स्कूलों के ऊपर तलवार लटवा रखी, उस पर एक शब्द नहीं बोला। ये पेपर लीक रट लगाए रहे, इनको कौन मना कर रहा है, ये जिससे जांच कराएं उससे जांच कराएं, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार कैसे देंगे, युवाओं को रोजगार कैसे देंगे, इस बात का एक शब्द उन्होंने पूरे अभिभाषण में ये बात नहीं बोली। तो आप कहना क्या चाहते हैं, नए रोजगार की बात करेंगे, नए आप गुड गवर्नेंस की बात करेंगे, नए आप लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, किस प्रकार से आप बिजली अच्छी कैसे देंगे। आज बिजली के 100-100 झटके एक एक घंटे में आ रहे हैं, तो बिजली पूरी नहीं मिल रही है किसानों को, उसके बारे में कोई विजन नहीं है। तो ऐसे लच्छेदार भाषण देने से कुछ नहीं होता है। राजस्थान की जनता सब यूट्यूब के ऊपर देख रही है कि मुख्यमंत्री जी भाषण दे के चले गए, लेकिन एक भी बात आप बताइए कि जो विद्यार्थी मित्र 5-5 ये जो राजीव गांधी युवा मित्र 5,000 बैठे हैं, इनके बारे में एक शब्द बताया हो तो आप बता दीजिए, एक बात बोली हो तो बता दीजिए। वो तो केवल अपने दल के 2-3 जो वरिष्ठ सदस्य जो उनकी कुर्सी पे आना चाहते थे उनकी तरफ देख देख के उनको समझा रहे थे कि मुझे आप कमजोर मत समझना, मैं अच्छा भाषण दे सकता हूँ।